सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। जोधपुर में आजकल दन दनाते हुए एक के बाद एक बड़े बड़े अपराध होते जा रहे हैं। अब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और उसका शव उसी के खेत में फेंक दिया। किसी को शक ना हो इसके लिए आरोपी बेटे ने उसके शव को हत्या के बाद खेत में फेंक दिया। घटना जोधपुर जिले के ओसिया थाना क्षेत्र की है, जहां एक शख्स का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया, उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। शव पर चोट के निशान देखे गए, ऐसे में हत्या का मामला प्रतीत हुआ। उसके बाद में मृतक के बेटे और पत्नी से पूछताछ की तो उसमें 20 वर्षीय बेटे मनीष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे उसके पिता से जमीन को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उसने पिता के सर पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर मौत हो जाने पर आरोपी बेटे ने अपने ही पिता का शव खेत में फेंक दिया, ताकि किसी को उस पर शक ना हो पाए। शव की शिनाख्त शिवनगर के समरथल निवासी शैतान राम विश्नोई पुत्र मंगना राम के रूप में हुई। इसके साथ ही एक और एंगल पता चला है, जिसके चलते पिछले 3-4 सालों से मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बेटे ने आखिरकार गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और अन्य एंगल्स से भी जांच पड़ताल चल रही है। सत्यमेव न्यूज़ के लिए ओसिया से डेस्क रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।